कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक गहरी तली का भगोना। गहरी तली का भगोना लेने के बाद हमने उसमें लिया है करीब 1.5 कप, हमने इसी कप से 1.5 कप हमने ले लिया है बेसन। बेसन आप कोई भी ले सकती हैं, मैंने राजधानी बेसन लिया है, उसको हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 0.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ये घर की दही है जिसको मैंने इसको करीब 8 से 10 घंटा फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। गर्मी में वैसे भी ये खट्टा हो जाता है, कढ़ी बनाने के लिए खट्टा दही ही ज़रूरी होता है। अब वो 0.5 लीटर दही हमने डालकर उसमें करीब 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच करीब हल्दी, और करीब इसमें हम 1 चम्मच या स्वादानुसार आप अपने नमक डाल दीजिए। नमक डालकर मैंने इसको जो है, आप चाहे तो विस्कर से भी इसको मिला सकते हैं, मगर मेरे पास ग्राइंडर था तो मैंने उस ग्राइंडर से इसको खूब फेंट दिया है और एकदम तली तक जाकर इसको अच्छे से फेंटना है, जब तक कि अच्छे से सारा बेसन दही के मतलब मठे में अच्छे से दही मिक्स ना हो जाए अच्छे से। और इस तरीके से ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, और अब हम इसको साइड में रख लेंगे। तब तक अब हम चलते हैं पैन के पास। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, कढ़ाई में अब हम डाल देंगे तेल। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप देसी घी में भी इसका छौंका लगा सकते हैं, मगर मस्टर्ड ऑयल में अच्छी बनती है। हमने मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लिया है। अब उसके बाद हम ले लेंगे चना दाल 1 चम्मच, उड़द दाल 1 चम्मच, आधा चम्मच अजवाइन, और करीब 1/2 चम्मच हम ले लेंगे मस्टर्ड। अब उसको हम उसमें डाल देंगे। उसके साथ ही हमने हल्दी डाल दी, उसके साथ ही मैंने उसमें डाल दिया हींग, और अब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची। मिर्ची के साथ ही साथ मैंने डाल दिया है करी पत्ता। मैंने मिर्च थोड़ी ज़्यादा इसलिए डाली क्योंकि ये मिर्च जो है हरी है और वो उतनी तीखी नहीं है। जब इस तरीके से ब्राउन सी हल्की हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी, तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच करीब काश्मीरी मिर्च। और काश्मीरी मिर्च डालने के बाद अब हमने जो बैटर तैयार किया है दही और बेसन का, उसको हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला लेंगे। चलाने से तुरंत ही चलाएंगे जैसे कि ये तली में लगने ना पाए। और चलाने के बाद अब हम इसको गैस पर तेज़ आंच पर आप इसको छोड़ दीजिए, या मीडियम आंच पर इसको आप छोड़ दीजिए। मीडियम आंच पर थोड़ी देर पकने दीजिए। तब तक जब तक ये पक रहा है, तब तक हम जो है पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, कढ़ाई एक मोटे तले की, ये लोहे की कढ़ाई है जो मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, ये काफ़ी भारी है और इसमें पकौड़े मैं हमेशा बनाती हूँ। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है अपने पकौड़े बनाने के लिए। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, और इसको डालने के बाद हमने गैस को छोड़ दिया है गर्म होने के लिए। तब तक हम, जब तक वो तेल गर्म हो रहा है, तब तक पकौड़े का बैटर तैयार कर लेते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 1.5 चम्मच ही मैंने ले लिया है बेसन, और अब हमने इसमें थोड़ा 1/2 चम्मच करीब अजवाइन डाल दी है, और थोड़े से मैंने पतले पतले कटे हुए कड़े पत्ते और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, और इसके साथ ही मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च से इसका स्वाद पकौड़ों का बहुत अच्छा बनता है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। इसके साथ ही इसमें हमने डाल दी 1/2 चम्मच करीब हल्दी, और उसके साथ स्वादानुसार हमने नमक डाल दिया। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने कढ़ी में भी नमक डाला है। अब इसको गूंथने का ये तरीका बहुत अच्छा है, मतलब तरीका बहुत ही सावधानी से आपको देखना होगा कि इसमें एकदम से पानी नहीं डालना है, इसमें थोड़ा थोड़ा कर करके और एक ही डायरेक्शन में इसको घुमा कर लगाना है इसमें पानी। अब हम जैसे देखेंगे कि अब थोड़ा मोटा हो रहा है तो थोड़ा पानी डाल देंगे, फिर हमको लगेगा थोड़ा और टाइट है तो थोड़ा पानी डाल देंगे, इस तरीके से हम करेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। अब ये देखिए, अब ये थोड़ा गीला सा हो गया। अब हम इसको हथेली के माध्यम से इसको इस तरीके से रगड़ रगड़ कर इसमें जो है एयर भरेंगे, और इस तरीके से जब हम रगड़ेंगे ना तो वो एक ऐसा उसमें लगेगा, जो उसमें नमक और जो बेसन के दाने होते हैं ना, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इसको रगड़ने में मुझे करीब 5 से 8 मिनट लग गया, और इस तरीके से रगड़ने के बाद जब ये हल्का हो जाएगा और हाथ भी हल्का हो जाएगा और बहुत स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो इसे कढ़ाई में थोड़ा सा डालकर आप देख लीजिए क्या ये ऊपर आ रहा है। ये देखिए मैंने डाला और ये तुरंत ऊपर आ गया। इसका मतलब आपका बैटर जो है पकौड़े का एकदम परफेक्ट बना हुआ है। और इसे देखिए चला कर देख लीजिए, ये देखिए तैर रहा है। इस तरीके से अगर आप बैटर तैरने लगा तो आपका परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें इस बैटर की छोटी छोटी लोइयां बना बना के काट के ऐसे इस तरीके से डाल देंगे, और जैसे ये बटर आप डालेंगे वैसे ये फूल कर 2 गुना बढ़ जाएगा, ये देखिए, और अपने आप ही तेल में तैरने लगेगा। तो ये आपका परफेक्ट पकौड़ा बन के तैयार है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन पूरे से, बहुत कड़क नहीं कर देंगे हम इसको, अच्छे से पकने तक ही पकाएंगे। गोल्डन ब्राउन हल्का हो जाएगा तभी ये पक जाता है। और इसे अब हम इसको क्या करेंगे, छन्ने से निकाल कर एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसका वो बाहर कर लेंगे। अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे, और इसको हम कढ़ी के पास चलते हैं। कढ़ी देखिए खदकने लगी है। अब हम इसमें खदकती हुई कढ़ी में, यहाँ भी शांत आपको दिख रही है मगर ये खदक रही है, तो मैंने तेज़ आंच पे उसको रख दिया है,
और इसमें जो है इसका एक सीक्रेट ये है कि जो पकोड़े आपने बनाए हैं वे तो ऐसे भी आप अगर इसे डाल देंगे तो ये फूल ही जाएंगे, मगर आप इसमें अगर फोक के माध्यम से छेद बना देंगे तो जो कढ़ी है इसके अंदर जाके एकदम बढ़िया से भर जाएगी। और इस तरीके से करके मैंने पकौड़ों को डाल दिया है और इसको करीब 15 मिनट करीब आप इसको धीमे धीमे आँच पे पकने दीजिए। ये तैयार है आपका कढ़ी पकौड़ा।